हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज है रिपोर्टेड स्पीच या फिर कहीं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की जो सीरीज चल रही है मेरे चैनल पर, उसका है एपिसोड नंबर 17। और ये भी प्रैक्टिस रहेगा आपके लिए, जैसे कि एपिसोड 16 रहा था। जो भी मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में सिखाना था, रिपोर्टेड स्पीच के जितने भी रूल्स मैंने आपको सिखाने थे, वो सब आपको पता है कि मैंने सिखा दिए हैं एपिसोड नंबर 1 से लेकर 15 तक। और अब हो रही है प्रैक्टिस, मतलब मिक्स सेंटेंसेस आ रहे हैं। पहले क्या था, हर एपिसोड में एक रूल या दो रूल सिखा रही थी। अब क्या है, सारे रूल्स को मिक्स करके सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं। और अब आने वाली वीडियोस में मैं आपको डायलॉग फॉर्म्स में भी दूंगी, जिस तरह से एग्जामिनेशन में आते हैं सेंटेंसेस। तो अभी मिक्स सेंटेंसेस है। एपिसोड नंबर 16 में भी 6 सेंटेंसेस थे, आज भी डायरेक्ट स्पीच के हैं 6 सेंटेंसेस आपके लिए इस एपिसोड में, एपिसोड नंबर 17 में। और आप, जैसे मैंने आपको बताया था एपिसोड नंबर 16 के लिए, उसी तरह से ही ये वाले सेंटेंसेस आप पहले नोटबुक में नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से करने की ट्राई करिए और फिर आंसर्स जो है वो मेरे साथ मैच करिए। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है, कुछ आपको समझ में नहीं आया है, आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक लिखिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की हमेशा ट्राई करती हूँ और करती भी रहूँगी। आप सबको इस चीज़ के बारे में पता है, सब छोटे बच्चे बड़े बच्चे जितने भी हैं, जो भी डाउट्स उनके होते हैं, मैं क्लियर करने की पूरी ट्राई करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए, ले आइए अपनी नोटबुक और ये वाले 6 सेंटेंसेस जो डायरेक्ट स्पीच के हैं नोटबुक में लिखिए, या फिर आंसर्स ही लिख लीजिए सीधा, नोट वीडियो को पॉज करके आंसर्स लिखते जाइए और फिर दोबारा से वीडियो जो है वो करके प्ले और फिर आंसर जो है मेरे साथ मैच करिए। मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपने कितने सेंटेंसेस ठीक किए। आई होप सारे ही ठीक होंगे। अगर आपने मेरी पहले वाले सारे एपिसोड्स देखे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी सेंटेंस रॉन्ग होगा, बट फिर भी अगर कुछ है आपको अभी भी डाउट, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और मेरे को प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपके कितने सेंटेंसेस ठीक हुए। तो चलिए कर लेते हैं आज का एपिसोड स्टार्ट। आज की जो प्रैक्टिस वर्कशीट है उसके सेंटेंसेस मैं आपको बता देती हूँ वन बाय वन, क्योंकि आपको नोटबुक में लिखने होंगे या फिर नोटबुक में सीधा इसका सॉल्यूशन लिखना होगा सारे सेंटेंसेस का, ताकि जब मैं करूँ तो आप चेक कर पाओ कि आप ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है इसका, जल्दी जल्दी मैं बता देती हूँ। मोहित सेड टू हिज टीचर, शी हैज़ टेकन माई नोटबुक। आप वीडियो को पॉज करके ना लिख सकते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मोहित, हैज ही टेकन योर नोटबुक क्वेश्चन मार्क, और साथ में इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट, सारा सेड टू आन्या, दीज आर ब्यूटिफुल ड्रेसेस, ठीक है। अभी इन तीनों में से तो एक ही क्वेश्चन है और वो भी डब्ल्यू एच फॉर्म वाला नहीं है, एक डब्ल्यू एच फॉर्म वाला क्वेश्चन भी होगा। फोर्थ सेंटेंस है, रोहित सेड टू सारा, आई वॉज एबसेंट यस्टरडे। फिफ्थ सेंटेंस है, माय फ्रेंड सेड टू मी, आई मे कम टू योर हाउस टुमारो। मीना सेड टू सारा, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट वीक, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इसमें मैंने कर दिया हुआ, उसमें गलती से नहीं हुआ था। तो चलिए अब करते हैं इनके सॉल्यूशन, मैं बताती हूँ। आप सबको पता है कि सारे के सारे रूल्स जो हैं मैंने इसके जो फर्स्ट 15 एपिसोड्स हैं उनमें बता दिए थे। अगर आज कोई फर्स्ट टाइम ये वाला एपिसोड देख रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि सारे रूल्स जो है मैंने प्रैक्टिस वर्कशीट 1 to 15 में बताए हैं। अब 16th वर्कशीट भी पूरी प्रैक्टिस थी, मतलब उनमें क्या था, मिक्स सेंटेंस थे, और आज की वर्कशीट में भी मिक्स्ड सेंटेंसेस है, ठीक है। ज़्यादा रूल्स के बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी मेरी सारी वर्कशीट्स देखी हुई हैं तो उनको फिर दिक्कत होगी, मतलब टाइम वेस्ट होगा, है ना उनका। तो अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच दोनों ही उस पर लिखा हुआ है, वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए सारे सेंटेंसेस, सॉरी सारे रूल्स, और फिर जो है आप यहाँ पे आ सकते हैं। मोहित सेड टू हिज टीचर, शी हैज टेकन माय नोटबुक, ठीक है। तो मोहित क्या आएगा यहाँ पे, मोहित सेड टू है ना, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हिज टीचर, टू नहीं लगाना है, आप सबको पता है ना, टोल्ड हिज टीचर दैट। अब शी हैज टेकन, अब शी कौन है, इसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा ना शी कौन है, तो शी का शी ही रहेगा, और हैज किस में चेंज हो जाता है, हैड में, तो हैड बन जाएगा। टेकन,
टेकन का टेकन रहेगा, क्योंकि आप सबको पता है हैज हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो ऑलरेडी लगी हुई है तो वो करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हैड को हैड में हैज को हैड में चेंज किया। अब माय, मोहित सेड टू हिज टीचर शी हैज टेकन माय नोटबुक, माय मतलब मोहित ने कहा ना मेरी नोटबुक, तो किसकी नोटबुक हो गई, हिज नोटबुक, ठीक है हिज नोटबुक। चलिए सेकेंड सेंटेंस पे चलते हैं, द टीचर सेड टू मोहित हैज ही टेकन योर नोटबुक। अब ये क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, द टीचर, अब टोल्ड की बजाय क्या आएगा, वेरी गुड, आस्ट, द टीचर आस्ट मोहित, डब्ल्यू एच क्वेश्चन नहीं है तो क्या आएगा, इफ, अब शी ये पता नहीं कौन है तो शी का शी आएगा, ठीक है, इफ शी हैड टेकन योर नोटबुक, योर मतलब मोहित की है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, हिज हिज नोटबुक, और फिर एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा ना, फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि हमने इसको अब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है, सारा सेड टू आन्या दीज आर ब्यूटिफुल ड्रेसेस, तो क्या आएगा इसका, सारा ये स्टेटमेंट है ना, तो टोल्ड आएगा, टोल्ड आन्या दैट, अब दीज बताइए किसमें चेंज होता है, वेरी गुड, दोज में है ना, दीज चेंज होता है दोज में, जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, हैंड राइटिंग पे प्लीज ज्यादा ध्यान मत देना, दोज, अब इज एम आर किसमें चेंज होता है, वॉज वर में, तो दोज वर क्योंकि प्लूरल है ना, दीज प्लूरल के लिए यूज होता है, दोज भी प्लूरल के लिए यूज होता है, ठीक है, दिस सिंगुलर के लिए यूज होता है, दैट सॉरी दैट जो है वो किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए, तो यहाँ पे दीज दोज है, ठीक है, दोज वर इज एम आर वॉज वर में चेंज होता है, तो ब्यूटिफुल ड्रेसेस का वही आ जाएगा, ब्यूटिफुल ड्रेसेस। आई होप अभी तक क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, रोहित सेड टू सारा आई वॉज एबसेंट यस्टरडे, तो इसका क्या किया आपने, आई होप आपके पिछले वाले तीनों सेंटेंसेस ठीक हुए होंगे, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बता दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रोहित टोल्ड सारा, दैट आ जाएगा क्योंकि सिंपल स्टेटमेंट है। अब आई किसके लिए यूज हुआ है, रोहित सेड टू सारा आई, रोहित ने बोला ना, किसके लिए यूज हुआ है, रोहित के लिए, तो क्या आ जाएगा, ही, वॉज अर वर्क किसमें चेंज होता है, वेरी गुड, हैड बीन में, आपने सारे रूल्स याद रखे हुए हैं ना, हैड बीन एबसेंट यस्टरडे किसमें चेंज होता है, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे, ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं, माय फ्रेंड सेड टू मी आई मे कम टू योर हाउस टुमारो, ठीक है, तो कैसे करेंगे, माय फ्रेंड, ये भी स्टेटमेंट है तो टोल्ड ही आएगा है ना, माय फ्रेंड टोल्ड मी, टोल्ड टू तो नहीं लिख रहे ना आप लोग, दैट आएगा क्योंकि स्टेटमेंट है, आई, अब किसके लिए, माय फ्रेंड सेड टू मी आई, ये माय फ्रेंड के लिए यूज हुआ है ना, आई, अब माय फ्रेंड कौन है, ही भी हो सकता है, शी भी है ना, बॉय भी हो सकती है, गर्ल भी, तो आप कुछ भी लगा दो, ठीक है, शी, तो मैंने शी लगा दिया, अब ही भी लगा सकते हैं, मे किस में चेंज होता है, वेरी गुड, अब कम के में चेंज होगा, नहीं, क्योंकि मे और माइट के साथ दोनों के साथ ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ठीक है, माइट कम टू, अब योर की जगह पे क्या आएगा, माय फ्रेंड सेड टू मी आई मे कम टू योर हाउस, किसको बोला, मी को बोला, तो माय, ठीक है, माय हाउस टुमारो किस में चेंज होता है, द नेक्स्ट डे में या फिर द फॉलोइंग डे में, तो नेक्स्ट डे लिख दो, छोटी चीजें लिख, क्या ऐसे फॉलोइंग डे, इतने ज्यादा बड़ा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है जब नेक्स्ट डे से हमारा काम चल रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इतना लिख भी दिया था और बाद में पता चला कि जो मेरा मोबाइल है वो बंद ही हो गया, किस लिए, क्योंकि स्पेस नहीं थी उसमें, तो फिर वीडियोज थोड़ी सी डिलीट करी, अब यहाँ पर उतना मैंने कर भी दिया था। मीना सेड टू सारा व्हाट विल यू डू नेक्स्ट वीक, मीना आस्क्ड सारा, क्योंकि क्वेश्चन है तो आस्क्ड आएगा ना, आस्क्ड सारा व्हाट, क्योंकि डब्ल्यू एच फॉर्म है तो इफ नहीं आएगा, डब्ल्यू एच फॉर्म वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है, और जो मैंने आपको बताया हुआ पहले, हेल्पिंग वर्ब इधर चली जाती है और सब्जेक्ट या मतलब नाउन प्रोनाउन जो भी होता है वो इधर आ जाता है, तो व्हाट क्या होगा, व्हाट यहाँ पे यू किसके लिए यूज हुआ, देखिए मीना सेड टू सारा व्हाट विल यू, मीना ने सारा को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो सारा के लिए यूज हुआ है ना ये वाला, तो क्या आएगा, शी, विल किस में चेंज होता है, वुड में,
ठीक है, वॉट शी वुड डू। अब डू डिड बनेगा, नहीं बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि विल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, वुड के साथ भी, तो डू। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक किसमें चेंज होगा, आप सबको पता है, द फॉलोइंग वीक। तो ये हो गया आज के सेंटेंसेस, आई होप आपको अच्छे से अब आ गए होंगे। और कितनी वर्कशीट्स आप चाहते हो कि मैं आपको करवाऊं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक के बटन को प्रेस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं लेके आती रहती हूँ ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती जाए और आप इंटेलिजेंट बनते चले जाओ। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स।